मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बुधवार सुबह ई जन दर्शन कार्यक्रम के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जशपुर जिले के ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कई समस्याओं का त्वरित निराकरण भी किया। मुख्यमंत्री ने ई जन दर्शन में सबसे पहले जिले की जनता को नए वर्ष 2018 की बधाई दी। डॉक्टर साहब ने सहज स्वभाव के ग्रामीणों की झिझक दूर करते हुए उनका उत्साह बढ़ाया और उनसे कहा कि अपनी बात कहने में कोई संकोच न करें और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ऐसा महसूस करें कि वे मुख्यमंत्री के बगल में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत सालेकेरा में ट्रांसफार्मर खराब होने, बिजली की आपूर्ति ठीक से नहीं होने और बिजली बिल अधिक आने की शिकायत मिलने पर ई जन दर्शन में ही विद्युत वितरण कंपनी के संबंधित जिम्मेदार अधिकारी डीई को तत्काल सस्पेंड कर दिया। मुख्यमंत्री को बिजली की समस्या के बारे में बताते हुए सीताबाई ने कहा कि ट्रांसफार्मर खराब होने पर गाँव वालों ने चंदे करके ट्रांसफार्मर लगवाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह काफी दुख की बात है कि ग्रामीणों को ट्रांसफार्मर के लिए चंदा करना पड़ा। नए साल की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से हुए। जन दर्शन का जो कार्यक्रम लगातार पिछले वर्षों से मैं कर रहा हूँ, अब नई तकनीक, नए युग और नए तरीके से ई जन दर्शन की शुरुआत आज हमने किया है और वो भी छत्तीसगढ़ के सबसे दूरस्थ जिले से, जशपुर से। जशपुर के 8 अलग अलग विकास खंडों में बैठे हुए लोगों से मिलने का अवसर मिला और वहाँ के सारे प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ भी चीफ सेक्रेटरी के साथ साथ सारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकर 11 बजे से लेकर 1 बजे तक कंटिन्यूस उनसे बात होती रही और अप्रत्यक्ष रूप से करीब करीब 350-300 लोगों से आज ई जन दर्शन में मुलाकात हुई। इन सब का समस्या का निदान हुआ। स्व सहायता समूह की महिलाएं बहुत वहाँ एक्टिव है, परिवहन की दृष्टि से कैसे काम कर सकते हैं, पंचायत के डबरी निर्माण की बहुत ज़्यादा उत्सुकता लोगों ने दिखाई तो ज़्यादा से ज़्यादा उस क्षेत्र में डबरी का निर्माण हो ताकि फिशरीज़ को वहाँ पे बढ़ावा हम कैसे दे सकते हैं। कनेक्टिविटी और कौशल उन्नयन के लिए बहुत सारे उनकी मांग आए। कौशल उन्नयन के लिए जशपुर ने एक मॉडल जिला के रूप में अपने आप को विकसित किया है। ई जन दर्शन का फ़ायदा ये हुआ कि 400 किलोमीटर दूर के चल के एक कॉन्क्रीट रोड के लिए कोई जशपुर का व्यक्ति आता है और वहाँ का पंचायत के प्रतिनिधि आता है तो आज यहीं से बैठे बैठे उनके बहुत सारे लोगों के समस्या का समाधान भी हुआ, उनकी मोटे मोटे जानकारी भी लेने का अवसर मिला। तो ये नई तकनीक के अनुसार हम इसका प्रयोग को शुरुआत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आज बहुत सफल इसकी शुरुआत हुई। ई जन दर्शन के नाम से ये आगे जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्लिपर 28, रायपुर। जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्लिपर 28 द डिजिटल मीडिया।